बुलेटिन में लाहौरियों को खुशखबरी सुनाएंगे। स्पीडो बस सर्विस में अब नकद किराया भी दिया जा सकेगा। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने स्पीडो बस सर्विस में नकद किराया अदा करने की सहूलत दी है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज जैनुल आबेदीन से। जी जैन, के शहबाज बोले हुकूमत में स्पीडो बस सर्विस को मुतारिफ करवाया गया था और इसमें सिर्फ ई कार्ड के जरिए जो किराया है उसको अदा किया जा सकता था। ताहम अब पंजाब हुकूमत की जानिब से ये एक बड़ा फैसला किया गया है कि जो स्पीडो बस सर्विस है उसमें अब ई कार्ड के साथ साथ नकद किराया भी अदा किया जा सकेगा। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से स्पीडो बस सर्विस में नकद किराया अदा करने की सहूलत है वो फ्राहम कर दी गई है और कल से इसका बाकायदा तौर पर इतलाक हो जाएगा। इस सिलसिले में जो किराया तय किया गया है उसमें जो कम से कम किराया है वो 20 रुपये किराया मुकर्रर किया गया है। ताहम जो इसका फाइनल शेड्यूल होगा वो कल इसका जारी कर दिया जाएगा। इस हवाले से हमारी जीएम ऑपरेशंस मैस ट्रांजिट अथॉरिटी उजैर शाह से बात हुई तो उनका ये कहना था कि वजीर अला पंजाब सरदार उस्मान गुजदार की खसूसी हदायत पर स्मार्ट कार्ड के अलावा नकद किराया की सहूलत फराहम करने का फैसला किया गया है और तमाम जो स्पीडो बस सर्विस के इस वक्त लाहौर अब नकद किराया भी दे सकेंगे। शुक्रिया शेख जैनुल आबिदीन।